दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ना जाने ऐसी ऐसी कितनी जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बेहद खतरनाक व डरावने जानवरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। मेगलोडॉन शार्क। दोस्तों, अगर इस शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक व जानलेवा शार्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये शार्क आज से 2 लाख साल पहले समुद्रों पर राज किया करती थी। दोस्तों, इस शार्क की उम्र लगभग 70 साल तक हुआ करती थी और इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती थी। दोस्तों, ये शार्क अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना जबड़ा 8 फीट तक खोल सकती थी और दोस्तों इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक बार में ही किसी भी बड़े जानवर को निगल सकती थी। टाइटनोबोवा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है तो आप बोलोगे ग्रीन एनाकोंडा, लेकिन दोस्तों आप गलत हो, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा सांप है टेक्नोबोवा। दोस्तों, ये सांप इतना ज्यादा लंबा है कि पलक झपकते ही किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन को नीचे गिरा सकता है। दोस्तों, इस सांप की लंबाई 45 फीट तक होती है और इसका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, आज से 10 लाख साल पहले ये सांप कोलंबिया के जंगलों में पाए जाते थे और ये बेहद बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। लोलोंग क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक हाथी को भी मार डालता है। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मगरमच्छ की लंबाई 20 फीट होती है और इसका वजन तकरीबन 1175 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ये मगरमच्छ इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी डॉल्फिन को एक बार में ही निगल सकता है। क्वेटजल कोटलस। दोस्तों, जानवरों की ये प्रजाति डायनासोर के समय में पाई जाती थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानवर उस समय का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था, क्योंकि दोस्तों इस जानवर का आकार लगभग एक प्लेन के जितना होता था। दोस्तों, इस जानवर की लंबाई तकरीबन 32 फीट और इसके पंख की फैलावट तकरीबन 45 फीट हुआ करती थी। हिप्पोकैम्पस। दोस्तों, घोड़े जैसे दिखने वाले इस जानवर को कई बार समुद्र की गहराइयों में देखा गया है। दोस्तों, ये जानवर अपने बेहद अजीबोगरीब शरीर की वजह से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका आधा शरीर घोड़े का है तथा आधा शरीर मछली का। दोस्तों, पुरानी किताबों के अनुसार यूनानियों के देवताओं के पास ये समुद्री घोड़े समुद्र को पार करने के लिए होते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।